तो हाय गाइस, तो गाइस आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस आ चुके हैं एक और पबजी रिलेटेड वीडियो के साथ, जो कि गाइस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाले पबजी लवर्स के लिए, जैसे कि आप सभी लोग हैं। तो गाइस आज की वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे जो पबजी मोबाइल के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए एक ऑसम वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आपको ऐसे मतलब कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आप प्रो नहीं बन पा रहे हैं, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी जिससे आप कहलाएंगे एक प्रो प्लेयर, और आपके स्क्वाड वाले या फिर आपके जो भी डुओ मेंबर्स हैं कोई भी आपको सब कहेंगे भाई हमारी टीम में आ जाओ, और भाई आप कहोगे भाई ठीक है ठीक है। ऐसे भाई बहुत अच्छे अच्छे मैं आपको टिप्स तो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों आप क्यों नहीं बन पा रहे। तो आपको उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेशन और पता चल जाएगा कि मेरे को क्या इम्प्रूव करना है ना। तो गाइस यही थी, बता रहा हूँ आपको कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लग जाती है वीडियो पर एक लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे पबजी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो गाइस चलिए गाइस आज के वीडियो पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस हमारा जो सबसे पहला रीजन है जिसकी वजह से आप प्रो नहीं बन पा रहे हैं ये है गाइस रिएक्शन टाइम, जो कि ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कम लोगों में पाया जाता है। पाया नहीं, इसको अपने को इम्प्रूव खुद करना पड़ता है। ये अपने कुछ मतलब जैसे बॉर्न ऐसी स्किल रहती है ना वैसे नहीं है ये, इसको आपको खुद इम्प्रूव करना पड़ेगा गेम खेल के। लेकिन भाई जहाँ भी मैं आपको बताऊँ कैसे इंक्रीज करना है जल्दी और सिंपल तरीका बताऊंगा गाइस, तो प्लीज डिफिकल्ट मत समझना इसको, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो गाइस चलते हैं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाता हूँ। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ। सो गाइस जैसे कि हम अपने रिएक्शन टाइम के बारे में बात कर रहे थे, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं अपने ट्रेनिंग ग्राउंड पे आ चुका हूँ। तो गाइस रिएक्शन टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक पबजी प्लेयर के लिए, जो कि होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस अभी आप देखना कुछ कुछ प्लेयर लोग मारते हैं ऐसे बिल्कुल देख के कि हाँ यार इधर मारो उधर मारो, बिल्कुल स्कोप खोलेंगे पहले उसके सर पर ले जाएंगे। भाई ये आपको नहीं करना है, ये रिएक्शन टाइम में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आप ऐसे मारोगे तो तब तक आपको बंदा आपको ही हेडशॉट मार देगा। तो कोई सपोज अपना रिएक्शन टाइम मतलब कोई बंदा देखे ना आपको तुरंत स्कोप खोल के मार देना, जैसे कि आपने स्ट्रीम में देखा होगा कि भाई उनका रिएक्शन टाइम हर जगह मैटर करता है। गाइस यही थी भाई, अब मैं आपको बताऊंगा अपनी स्पीड, जो भाई स्पीड नहीं है क्योंकि गाइस रिएक्शन टाइम मैंने बहुत भाई अपने ट्रेनिंग ग्राउंड जा जाके मैंने अपना इंक्रीज किया है। तो गाइस अभी जैसे कि देख सकते हैं ये भाई ये होती है स्पीड, क्योंकि भाई इसमें मैं तुरंत स्कोप खोल रहा हूँ और मेरा जा ही रहा है भाई, ये बिल्कुल बंदे के सर पे जा रहे हैं। तो गाइस ये आपको ऐसी इंक्रीज करनी, वो भाई आपको मिलेगी सिर्फ प्रैक्टिस पे, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ेगा। भाई दिन में बता रहा हूँ आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो गाइस आपको दिन में जैसे कि आप 4 घंटे खेलते हैं, जैसे 2 घंटे मान सकते हैं, क्योंकि एक मैच 30 से ऊपर आपका ज़्यादा जाएगा तो भाई उसमें आप 10 मिनट ऐड भी कर सकते हो। लेकिन गाइस आपको क्या करना है, अपने पास जो 10 मिनट है ना या 20 मिनट आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में बिताने, क्योंकि भाई अपना अपना एक AR ले लेनी है, एक स्नाइपर लेनी है और पिस्टल, भाई पिस्टल भी यूज़ करनी है, क्योंकि गाइस इससे आपके जो है ना, अब मैं उसको बाद में आपको बताऊंगा इसके क्या आपको यूज़ करना, बार बार क्यों बता रहा हूँ कि इसे चेंज करना बताऊंगा, मैं आपको सब बताऊंगा वीडियो तक है ना। तो वैसे आपको सबसे पहले ये लेना है, फिर उसमें अच्छी सारी एमो लेके फिर आपको है ना शूट करना है ना, कि बंदों को जैसे वो आपके सामने आ रहा है पीक वीक करके इधर से साइड से इधर से वो हिलते रहते हैं ना, जो बोर्ड जिसमें आपको मारना रहता है उन सब बोर्ड्सों को मारना है आपको। जैसे बंदे इधर पे घूमते रहते हैं चलते रहते हैं उनको मारने की कोशिश करनी है, लेकिन वो मरेंगे नहीं, लेकिन क्या आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमें को ऐसे स्कोप खोलना है, ऐसे करना है, ये करना है। तो गाइस यही था भाई, बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव रहेगा आपका गेम प्ले इससे। और गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं मैं अभी यही इस पर फोकस करते रहता हूँ। और गाइस अभी चलता हूँ मैं आपका अपने नेक्स्ट, जो कि चीज़ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो गाइस हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि आप जल्दी जल्दी मतलब कैसे, जैसे आपका आपके एक पास है आपके पास कारेल और एक साइड है आपके पास डीपी, DP28 या फिर कोई सी भी अलग गन, AKM, M762 ऐसे बहुत सारे गन, मतलब कोई सी भी गन हो साइड में। लेकिन आपको कहता हूँ क्या होता है, जैसे कि बंदों को आप मारना है ना तो वो आपको बिल्कुल सामने है, तो भाई वो भी आपको हिल हिल के मारेगा, इससे वैसे बहुत सारे शॉट मिस होते हैं, कहीं आपने भी ये नोटिस किया होगा। तो कहीं ये क्या है आप साइड साइड, तो भाई उससे बहुत सारी गोलियां वेस्ट हो जाएगी, जैसे आपके पास एक्सटेंडेड मैग है 30 गोलियां हैं, तो भाई 30 गोली बहुत जल्दी चली जाएगी। तो भाई इसलिए मैं बोलता हूँ, जैसे आपको
अब अपने जल्दी से उस गोली खत्म, आप मारते जा रहे मारते, रिलोड हो रहा है, लेकिन आप ये नहीं करते कि चेंज कर लें गोली, आपके साइड में भी एक गन है गाइस। ये बहुत सारे बंदे नहीं देख पाते हैं गाइस, तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये भी करना चाहिए। जिससे भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ कि भाई अगर आप पर रश हो चुका है तो भाई कम से कम 3 या 4 बंदे आएंगे, तो भाई आपके स्कारेल से मैं मान लेता हूँ 1 या 2 बंदे नॉकआउट आप जरूर कर लेंगे, लेकिन तीसरे भाई आपको आराम से मार सकता है। इसलिए आपका रिएक्शन टाइम, आपको गन चेंज करने का बहुत जरूरी चाहिए, है ना। भले ही दूसरे गन की भी एमो खत्म हो जाए, लेकिन आपका पिस्टल है, आपको ये आदत बन चुकी है कि आपको तीसरे पे चेंज करना ही है पिस्टल पे, तो भाई पिस्टल पे आप क्लिक करके उसे मार दोगे, तो इससे रश से भाई आपको बहुत बचने की टेक्निक मिल जाएगी गाइस। तो आपको इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है गाइस। जैसे मैं देखा, मैं स्कारल से अभी मैं अपने प्रैक्टिस करने लगा हूँ, पीक करके इधर से उधर, इधर सब एम को देख रहा हूँ बिल्कुल, तो बस यही आपको करना है। और भाई आपको रिकॉल वो है ना, जो अपनी सेंसिटिविटी थोड़ी हाई करनी है, जैसे आपको रिकॉल कंट्रोल करने की भी थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ जाए, तो गाइस ये है आपके जो आपको प्रो बनने से रोक रही है गाइस। तो आपको यही सब चीज़ें करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं कि भाई, और आपको भाई सबसे ज़्यादा ये मेन फोकस करना है कि आपको बॉडी पे ज़्यादा नहीं आपको शूट करना है। जैसे बहुत सारे बंदे जो नीचे से ऊपर जाते हैं, पहले पैरों पे मारे, जब तक भाई आपकी बुलेट्स है ना बिल्कुल एमओ बहुत कम है, जैसे उसके बस तीन तीन 1 या 2 शॉट्स पड़ पाते सर पे, वो भी उसमें से एक मिस हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए भाई उनकी वो नहीं जाएगी, तो आपको भाई जैसे वो प्री पीक कर रहा है तो आपको उसको सर पे मारना है भाई बिल्कुल, और सामने खड़ा है तो उसके सर पे मारो भाई, उससे क्या है वो आपको अगर मारेगा ना बॉडी पे, तो आप नॉक हो गए नहीं ज्यादा, वो पहले आपकी 2 3 3 गोलियों में ज्यादा नॉक हो जाएगा गाइस। ये आपके लिए बहुत बड़ी टिप है गाइस कि आप जब भी जाओ ना तो भाई सर पे मारो भाई कुछ भी करके, क्योंकि भाई हेडशॉट पड़ेगा ना तो बंदा तुरंत डाउन होगा, चाहे वो स्कारल DP28 कोई सी भी गन हो, M762 मान लो कोई भी गन हो, लेकिन आपको हेड पे लेने की पूरी कोशिश करनी है। देखिए भाई कुछ कुछ बंदे बोलेंगे कि गाइज हमारा हेड पे शॉट्स नहीं जाते क्योंकि भाई रिकॉइल बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने बोला आपको रिकॉइल कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन गाइज मैं बता रहा हूँ, अगर आपको मतलब किसी बंदे की 1 KM से है ना, भले उसके पास लेवल 2 या लेवल 3 का हेलमेट हो, लेकिन भाई वो चार ज़्यादा शॉट नहीं टेक पाएगा DPI है कोई सी भी गन का, है ना, क्योंकि गाइज ये बहुत ज़्यादा हेड पे जब पड़ती है ना बहुत डैमेज होता है गाइज। ये पबजी मोबाइल वालों ने खुद ही ऑफिशियल ने बोल दिया होगा, लेकिन भाई भाई बोलने की भी ज़रूरत नहीं, भाई आपको खुद ही पता होगा। तो गाइज ये थी एक और टिप जो आपको ले सकते हैं भाई प्रो बनने के लिए, भाई आपको यही करना है, क्योंकि भाई जितने भी बंदे ना डायनमो कोई भी किसी भी स्ट्रीमर या फिर रॉन गेम में किसी को भी ले जी, वो अपने हेड पे शॉट मार, अपने जो एनिमी है उसको हेड पे शॉट मारता है, इसलिए वो तुरंत नॉकआउट होता है। तो गाइज ये थी एक और प्रो टिप, तो अब चलते हैं अपनी प्रो टिप जिससे आप अपना रिएक्शन टाइप इंक्रीज और कर सकते हैं। तो गाइज चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप, या फिर आप उसे कुछ भी कह सकते हो, मेरी सलाह कुछ भी कह सकते हो आप उसे। तो गाइज ये चलिए आप चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो गाइज आप अपने जो रिएक्शन टाइम है उसको इंक्रीज करने के लिए बताऊँ क्या कर सकते हो। सबसे पहली भाई और सबसे अच्छी टिप बोल रहा हूँ भाई कि भाई अपना अपना है ना जो चेंज कर लीजिए भाई, 2 फिंगर से 3 फिंगर या 4 फिंगर क्लॉ या पॉ पे आई जाइए भाई कुछ भी करके, उसे प्रैक्टिस करिएगा। इस देखिए आप, मैं ट्रेनिंग ग्राउंड पे ये रोज प्रैक्टिस करता हूँ कि भाई मैं इसे मास्टर करके रहूंगा पॉ को, क्योंकि भाई 3 फिंगर में खेलता हूँ भाई मैं, और भाई उससे मेरा गेम मेरे को खुद इंप्रूवमेंट दिखा है गाइज, मैंने खुद देखा उसे मेरा गेम में इंप्रूव हो रहा है। भाई मैं हारा शुरू के भाई मैंने कम से कम 7 मैच खेले, उसमें से भाई मैं सारे मतलब 4 या 5 मैच हारा, लेकिन भाई मैंने हारा नहीं, मैं खुद से भाई मैंने सोचा कि चलो भाई प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए भाई मैं अब रोज प्रैक्टिस करता हूँ भाई उसकी। तो भाई जी बहुत ही अच्छे पे आप कुछ भी करके जाना पड़ेगा, है ना भाई, रोज प्रैक्टिस करोगे तो भाई कुछ भी आप मास्टर कर सकते हो। तो भाई जी मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आप क्लॉ पे आ जाइए या फिर आप मेरा खुद का लेआउट जैसे देख सकते हैं, सबसे इजीएस्ट है 3 फिंगर का, तो भाई आप पहले जाइए 3 फिंगर पे, फिर आ पाइए अगर आपको 3 फिंगर मास्टर कर लिया 4 फिंगर पे जाइए, उससे आपका रिएक्शन टाइम भाई मैं कर बोल रहा हूँ भाई मैंने खुद इम्प्रूवमेंट देखा है, बहुत आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा गाइज। आप भी कहोगे कि गाइज मैं भी थोड़ा सा अच्छा खेलने लगा हूँ, तुम्हें खुद इम्प्रूवमेंट दिखेगा, तुम्हारी किल रेटिंग बढ़ेगी, केडी बढ़ा है, केडी रेशियो बढ़ेगा, तुम्हारे स्टैट्स बढ़ेंगे, तुम डायमंड 3 से भाई 2 मैच खेलोगे तुम उसमें चिकन डिनर ले सकते हो, तो गाइज तुम्हें वो आ जाएगा रिएक्शन टाइम का, भाई तुम तुरंत बंदे को भाई खुल खुद स्कोप खोल के मारोगे भाई ऐसे कि वैसे वो आपको टच भी नहीं कर पाएगा, गोली आपको टच भी नहीं कर पाएगा और आप उसको खत्म कर दोगे। यही है भाई आपको आपको रिएक्शन टाइप करने के लिए भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा, मैच हारने पड़ेंगे। तो गाइस आप अभी शुरुआत कर सकते हैं भाई मैच थोड़े हारने के लिए, क्योंकि गाइस
अगर आपको अपनी जो जैसे आप अभी क्राउन या फिर एस में हो और आपको वो कम नहीं करना अपने लेकिन दो है ना, तो आपको क्या करना है अपना दो या जिसमें आपकी रेटिंग कम है उधर पे जाना है, उधर पे प्रैक्टिस करनी, दो हॉट ड्रॉप्स को उतरना है जैसे पोचिंग ये सब, उधर पे आकर थोड़ी प्रैक्टिस करने की हाँ मैं थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। तो पहले सबसे पहले तो भाई आपको ये बता दूँ कि आपको ट्रेनिंग ग्राउंड पर मेहनत करनी पड़ेगी, वरना बिना मेहनत के भाई कुछ नहीं हो सकता है, आपको पता ही है गाइस। तो गाइस यही थी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ भाई आप अपने ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाइए, थोड़ी प्रैक्टिस करिए, मेरा लेआउट कॉपी करिए, फोर फिंगर का लेआउट मैं आपको जो अभी आप उसके पहले वाले देख रहे थे उस है ना, मतलब जो उसके पहले वाले जो वेकेंडी का जिसमें मैं आपको बता रहा था कि क्या बताने वाला हूँ, तो उसमें आप देख सकते हैं उससे आप फोर फिंगर कॉपी कर सकते हैं। लेकिन भैया मेरा कॉपी मत किए, मैं आपको बोल रहा हूँ अपने थोड़ा अपने हिसाब से लगाए जिसमें आपकी फिंगर कंफर्टेबल हो, कि आप सोच रहे होंगे कि भाई ये मेरे को जम नहीं रहा है, तो अपने अपने हिसाब से जमाइए कि भाई अपना दिमाग थोड़ा चलाइए कि भाई मैं कहाँ पर मेरे हाथ है ना आराम से पहुँच जाएगा, कि मैं कहाँ से कर लूँगा, कहाँ से पीक कर लूँगा जल्दी से, कहाँ से मैं अपना स्कोप जल्दी खोल पाऊंगा, ये आपको खुद डिसाइड करना है गाइस। मैंने खुद से ये डिसाइड किया है कि मैं ऐसा रखूंगा, तो गाइस ये मेरे पास बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ। तो गाइस अपना अपना स्टाइल चूज करिए क्लॉ या थ्री फिंगर क्लॉ खेलने का। तो गाइस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज यार प्लीज ये आप अपना इसमें अपने आप जो गेम है ना इसमें इम्प्लाई करके देखिए, अगर इम्प्रूवमेंट ना मिले तो गाइस खुद आके कमेंट बोलना, मेरे को कुछ भी बोल देना गाइस, मैं आपको खुद बोल रहा हूँ जो भी मैं टिप्स दे रहा हूँ गाइस मैंने खुद ट्राई करके देखी है और गाइस बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने आपको सारी टिप्स अभी तो नहीं हुई है, बस ये भी एक और एक दो टिप्स बची हैं गाइस जो कि गाइस आपको पूरी फॉलो करनी है, जिसमें से एक टिप आपको नहीं कर जो टिप नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये करना ही नहीं है कुछ भी, अगर आपने एक दो बार किया भी होगा मैं बोलता हूँ हर पबजी प्लेयर देखना एक बार ये गलती करता है, जो अभी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। गाइज चलिए गाइज अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप पे, आप कुछ भी कहें तो भाई अपने नेक्स्ट टिप पे चलता हूँ। तो गाइज हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आपको एक मिनिमम गेम आईक्यू अपने मन में रखना है, या फिर अपने प्लेयर है जो आपका गेम उसके अंदर एक मिनिमम गेम आईक्यू, मतलब आप जैसे आप पे रश हो रहा है या फिर आप मतलब एनिमी से खुले में हैं बिल्कुल या फिर एक पत्थर की पीछे हैं, तो आपको उधर से सोचना कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकल सकता हूँ, तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं इधर से निकलने की, लेकिन उसके लिए चाहिए आपको गेम आई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस पोजीशन पे करना क्या है मुझे, या फिर आपको खुद दिमाग चलेगा, या फिर उस आपने कहीं देखा होगा जैसे स्ट्रीम किसी की स्ट्रीम में देखा होगा, किसी ने आपको बताया होगा तो आपको पता होगा। तो भाई इसीलिए आपको अपना गेम आई को बढ़ाना पड़ेगा जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करोगे और भाई आप प्रो बन जाओगे। तो भाई इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ एक क्लिप के साथ, जो ये है वो क्लिप। तो गाइज मैं आपको इस जो टिप है ना उसमें बताने वाला हूँ, मतलब ये जो क्लिप है उसमें बता रहा हूँ कि भाई आपने इसमें मतलब कोई बंदा मेरे को घेर के ना रश हो रहा है मेरे पे, तो गाइज इसमें आपको बताओ बहुत सारे बंदे मैं बता रहा हूँ आपको कि इधर पे मतलब साइड में कोने में बैठ जाएंगे और फिर पिक करने लगेंगे। गाइज ये बहुत बड़ी गलती है गाइज, इसको बिल्कुल मत किए, पहले मैं भी करता था लेकिन अब मैंने बिल्कुल समझ गया हूँ कि क्या करना है जब रश को इनकाउंटर करना है मेरे को। तो गाइज आपको क्या सिंपली एक नेड या फिर नहीं मिनिमम दो नेड आपको फेंक देना है सीढ़ियों की तरफ, कि जैसे कि वो बंद मतलब आपको 3 सेकंड वेट करना फिर फेंकना है ना, तो उससे क्या कर अब वो जैसी सीढ़ियों पे आएंगे वैसे उनके दो या तीन बंदे आराम से नॉकआउट हो जाएंगे, तो कैसे आप एक बंदे को आराम से मार सकते हो, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप भले ही आप अकेले हो लेकिन तब भी आप रश को इनकाउंटर कर दोगे ये मेरी गारंटी, क्योंकि गाइस ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। और भले ही आपके पास अगर शायद मान लो आपके पास अगर नेड नहीं है तो गाइस आप स्मोक फेंक दीजिए, बताओ स्मोक क्यों, कहीं आप सोचोगे भाई क्यों फेंकूं स्मोक की वजह है ना हम लोग तो फिर आपको मार ही दे, लेकिन बताओ उससे क्या बहुत अच्छा, अगर वो लोग वैसे वाले रश वाले होंगे कि जैसे वो ना डायरेक्ट ऊपर आएंगे आपको वो सोच रहे अकेला है अपने से आराम से मार देंगे आपको, जल्दी से वो स्मोक फेंक दो, एक बंदा आएगा ना स्मोक से सिर्फ कंफ्यूज होकर कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो आप जल्दी से उसे मारना पड़ेगा गाइस, ये आपको फुर्तीली दिखानी पड़ेगी, एक को नॉकआउट किया है ना उसको पूरा ऑल डेड कर देना और फिर दूसरे अपने आप आएंगे ऊपर है ना आपको मारने, आपको बस उनको झेल लेना, और अगर आपको लग रहा है कि और मुश्किल हो गई सिचुएशन तो और स्मोक कर दीजिए, तो जिससे उनको और कन्फ्यूजन होगा और उनको आप आराम से मार दो, ये मेरी गारंटी है, मैंने खुद एक स्क्वाड को इसी ट्रिक की वजह से मारा था। तो गाइस ये है आपको बता दें मैंने जो आपको मतलब रोक रही है कुछ करके प्रो बनने से। तो गाइस अब चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट चीज है जिसको आपको नहीं करना है, तो गाइस चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो गाइस अब आते हैं हमारे वो प्रो प्लेयर जो अपने आप को कॉफिन समझते हैं, तो गाइस इन प्रो प्लेयर की बताऊं बात ही अलग है,
क्योंकि गाइस इन्हें पता नहीं क्या है, हमने मतलब किसी सुना कॉफिन भाई क्या खेलता, गेम प्ले देखा बहुत तगड़ा खेलता है, हैंड कैम वीडियो देखी, सेटिंग्स देखी, तुरंत कॉपी बिल्कुल है ना बोट कैम पर उतर के हमें अब सबको सबको मतलब 30 से ऊपर क्लिक करके आऊंगा यहाँ से और उतरते ही खत्म, पीछे से आगे से सोलवर से स्क्वाड लगा ले खत्म हो जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ भाई, मैंने यही बोला था किसी को कॉपी मत कीजिए, अपना खुद ही चूज करिए, भले ही आप लेआउट कॉपी कर लीजिए लेकिन उसके हिसाब से करिए कि आपका फोन कैसा है और आपको कैसे मतलब पूरा लेआउट का कॉपी करिए, थोड़े से उससे आइडिया ले लीजिए कि इसको इस अगर इधर पे रहेगा तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो गाइस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरा कॉपी कर सकते हैं क्योंकि मैंने बिल्कुल बेस्ट रखा, सिंपलेस्ट बिल्कुल यार, मैं उसको आपको एक बार हैंड कैम वीडियो बना के भी दिखाऊंगा अगले वीडियो में जिसमें मैं क्लॉक की बात करूंगा। तो गाइस यही तो मैं बोल रहा था कि भाई किसी कॉपी मत कीजिए। तो गाइस यही थी हमारे लास्ट जो मैं बोल रहा जिससे प्रो नहीं बन पा रहे गाइस, आप तो भाई आप ये कभी मत कीजिएगा अपनी जिंदगी में कि भाई कॉफिन को देख लिया भाई आप कॉफिन नहीं बनना है हमें, तो गाइस ये आपको बिल्कुल नहीं करना है आपसे, है ना। और अब आपको अपने जो मेन है वो आपको आपके रिएक्शन टाइम और जो मैं अभी गेम आई क्यू के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा उसको आपको फोकस करना है मेन, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन आपको सिर्फ सिंपली ये करना है ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाना है, रोज 20 मिनट रोज प्रैक्टिस करनी है गाइस और फिर अपना आप मैच खेल सकते हैं। तो गाइस ये आपको जरूर से जरूर करना है, अपने गेम में अप्लाई कीजिए और भाई 110% रिजल्ट मिलेंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है गाइस। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्लीज 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 ये वीडियो को ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, प्लीज सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को और भाई बेल आइकन दबा देना प्लीज यार। तो गाइस वीडियो को जरूर शेयर करना गाइस, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो दिल से लाइक करके जाना गाइस, तो इसलिए बोल रहा हूँ। और भाई मेरे को बता देना कमेंट में कि कुछ में से मिस हो गया, तो गाइस आप बताते नहीं गाइस, अगर कुछ भी मिस हो भाई मेरे को करिए भाई बदनाम कीजिए भाई, कुछ जो बोलना है वो बोलिए, लेकिन मेरे को अपनी गलती बताइए जिससे मैं अगली वीडियो में वो सुधार कर रहा सकूँ कि मेरे को और अच्छी परफेक्ट से परफेक्ट वीडियो बनेगी। तो बस आपको भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी फायदा होगा और आपका भी बहुत फायदा होगा। तो कोई इसलिए बस चलता हूँ आज की वीडियो में, इतना ही था भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी बहुत सारे मजे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।